हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीरिया से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, दो दिन पहले टर्की ने घोषणा करी उत्तर सीरिया में वो अपनी आर्मी भेजेगा और एक ऑपरेशन चलाएगा और कुर्दिश हेल्ड टेरिटरी में जो कुर्द्स है उनको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा और यूएसए ने भी इसमें कुर्द्स को सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इस मामलों के बारे में सब कुछ जानते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर ये सीरिया स्थित है और सीरिया का उत्तर में है टर्की। तो एक लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि टर्की ने कहा है वो उत्तरी सीरिया में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेगा और टर्की के तरफ से इसका पूरा प्रिपरेशन हो चुका है। और पिछले मंडे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि वो यूएस मिलिट्री को उत्तरी सीरिया से वापस ले लेंगे। कुछ देर पहले ही हमने कुर्द्स के बारे में बोला है, लेकिन ये कुर्द कौन है, कहाँ रहते है, उनको क्या चाहिए, तो चलिए इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, कुर्द्स एक एथनिक ग्रुप होते हैं जो उत्तरी सीरिया, इराक के कुछ इलाकों में और साउदर्न टर्की में रहते हैं। वर्ल्ड वॉर वन और टू के बाद जब अलग अलग देश बने तब कुर्द्स को कोई अलग कुर्दिस्तान नाम का देश नहीं मिला, इसलिए कुर्द लोगों को एक इंडिपेंडेंट देश चाहिए और इसलिए वो इराक और टर्की में एक लो इंटेंसिटी की सिविल वॉर लड़ रहे हैं और सीरिया में भी उनको ऑटोनॉमी चाहिए। इसलिए सीरिया का सिविल वॉर के चलते उन्हें रिपब्लिक ऑफ रोजावा नामक एक ऑटोनॉमस टेरिटोरी चाहिए। दोस्तों, 2011 से अभी तक सीरिया में प्रेसिडेंट बशार अल असद के खिलाफ अरब स्प्रिंग नामक एक सिविल वॉर चल रहा है। इसमें कुछ कुर्द बेस्ड सीरियन आर्मी भी शामिल है। उन्होंने भी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और अपने को फ्री घोषणा कर दिया। इसके बाद इस जंग में मल्टीपल लोग भी और मल्टीपल देश भी शामिल हो गए। इस सिविल वॉर के बीच में कुर्द्स ने अपने इंडिपेंडेंट घोषणा कर दी और 2014-15 के अंदर आईसिस नामक एक टेररिस्ट ग्रुप ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट की स्थापना करने की कोशिश की और ये वॉर के कारण काफी सारे जियोपॉलिटिकल राइवलरीज भी बढ़ गई, जैसा यूएस रशिया, ईरान, सऊदी अरबिया, इजराइल, कुर्द शिया सुन्नी के बीच में। सीरिया में कुर्द लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी कि एसडीएफ को आईसिस के खिलाफ ग्राउंड लेवल से जंग लड़ने के लिए यूएसए ने सपोर्ट दिया था और टर्किश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वालों कुर्दिश ग्रुप जिसका नाम है पीकेके, उन्होंने भी इसमें एसडीएफ की सहायता किया था। दोस्तों, यही पे एक ट्विस्ट आया। ये पीकेके को यूएसए में टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है और कोल्ड वॉर के बाद से टर्की और यूएसए का एक गुड रिलेशनशिप रहा है। इसलिए जब टर्की ने ये ऑपरेशन का फैसला लिया तब यूएसए ने इस मामलों से अपना हाथ उठाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आईसिस के साथ जंग में करीब 11,000 कुर्द लोग शहीद हो गए और आईसिस को हराया। इसलिए यूके, फ्रांस जैसा वेस्टर्न कंट्रियों ने भी माना कि अगर ये कुर्द्स नहीं होते तो आईसिस के खिलाफ जंग जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। अब टर्किश गवर्नमेंट की टर्की और सीरिया के इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक सेफ जोन चाहिए, क्योंकि जब सीरिया में ये सिविल वॉर धीरे धीरे खत्म हो रहा था तब वो लगभग 36 लाख सीरियन रिफ्यूजीज जो अभी टर्की में रहते हैं उनको सीरिया में रखने के लिए एक सेफ स्पेस का क्रिएशन करना था। इसमें टर्की का और एक भी इरादा है, कुर्दिश एसडीएफ को कमजोर करना और उससे पीकेके की मदद करने के रोकना, ताकि टर्की पीकेके को आसानी से न्यूट्रलाइज करने में सफल हो जाए। अब आते हैं यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू में। यूएसए न्यूट्रल बना रहना चाहता है। यूएसए ने कहा कि ना तो उनको इस ऑपरेशन के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना तो इस वक्त यूएस आर्मी कुर्द्स को सपोर्ट करेगा, इसलिए अभी जितना यूएस मिलिट्री सीरिया में डिप्लॉयड है उन सभी को वापस लिया जाएगा। अब आते हैं इस वक्त जो पॉसिबल सिनेरियो से कि ग्राउंड जीरो पर कुर्द्स और अरब लोगों के बीच में एथनिक वायलेंस छिड़ने की पूरी संभावना है और सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है इस पूरी कैवास में आईसिस को फिर से बाहर आने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है, क्योंकि आईसिस का स्लीपर सेल्स कुछ कुछ जगह पे अभी भी कंटिन्यूअसली एक्टिव है, जो हमारा हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। तो दोस्तों, ये था आज का कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।